ये देखिए नीतीश को, तो आप लोग इसको देखने के लिए पूरा वीडियो देखिए। तो हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है गुड्डू। तेरा नाम? नीतीश। आप लोग देख रहे हैं गुड्डू ब्लॉग। नीतीश अभी खा रहा है और मम्मी जा रही है गेहूँ फटकने के लिए, यानी फटकने के अर्थात क्या हुआ नहीं पता, झटक के लिए गेहूँ में से कंकर पत्थर निकालने के लिए जा रही है। हाँ, ये है मसूर दाल और ये जा रहा है खेत में देने के लिए। इसमें खाद सब कुछ है। मम्मी जा रही है खेत। बाय बाय, जाओ अच्छी रख के आना अच्छा से मम्मी। यहाँ पे कपड़ा धो रहा है, वो रहा घर चला गया, उसको सूख जाता तुम्हारा। एक बार डांस करो, चलो चलो कपड़ा देते देते डांस करो। हम दोनों भाई मिलके खाना खा रहे हैं, ये रहे नीतीश। तो हम लोग निकल चुके हैं एक चैनल क्रिएट करने के लिए, साथ ही साथ ब्लॉगिंग करने के लिए। एक चैनल जिसका नाम है नीतीश चौरसिया ब्लॉग, शायद आप लोग सर्च मारेंगे तो ऊपर में आ सकता है। और साथ ही साथ ये नीतीश का फर्स्ट ब्लॉग है। नीतीश आज सूट किया पूरा तो गिरवे को गिरवा के चलो। यहाँ पे चल रहा है नीतीश गेहूँ बुआई होगा इसने। तो गेहूँ के लिए खाद की तैयारी हो रही है, नीतीश कर रहा है, इसको मिला रहा है नीतीश। मिला जल्दी फास्ट चल। इसको हम लोग बोलते हैं खखरी। और इसको क्या करना है, वहाँ पे ले जाना है, वहाँ पे वो देखिए गुड़ा, यहाँ पे देखिए गुड़ा, वहाँ पे ले जाना है उड़ाने के लिए, क्योंकि आज है मौसम सुहाना उड़ाना। नीतीश खखरी उड़ा रहा है, देखिए ऐसे जा रहा है। और इधर मम्मी भी नीतीश को, आज का फर्स्ट पहली बार कोई वीडियो एडिट कर रहा है क्या रे? हाँ, पहले वो भेज देख, इसको लगता है कि भाई कैसे होगा, इसको लगता है कि भाई एक वीडियो नहीं भेजा मैं भेज देता हूँ, देखता हूँ पहले इसको मैं है क्या नहीं। देखो वीडियो एडिट कर रहा है, होगा नहीं इससे, मुझे पता है मुझे ही करना पड़ेगा ये वीडियो एडिट। तो ये रहा दवा और जा रहा हूँ बछड़ी को पिलाने। नीतीश पकड़ ले, पीली। तो हम जा रहे हैं गेहूं बुनाई करने, बुआई बुनाई, इसमें खाद है ऊपर में और मम्मी लेके चली गई गेहूं पहले ही। तो हम जा रहे हैं पहले खेत, इसके बाद छिड़केंगे, इसके बाद ट्रैक्टर से ही होता है, हमारे गाँव में ट्रैक्टर से ही हो जाता है। पहले होता था हल से, हल बोले तो दो बरद को बांधो, इसके बाद हल लगाओ, इसके बाद उसके पीछे पीछे गेहूं दो, इसके बाद होगा। तो मतलब लगभग उसमें कुछ नहीं तो चार बंदे लगभग बिजी रहते थे, तीन बंदे। अब क्या होता है तो ट्रैक्टर से ही हो जाता है, बहुत सुविधा। टेक्निकल ज़माना आ चुका है ना, धीरे धीरे टेक्निकल ज़माना होने चला है, तो भाई सब कुछ टेक्निकल ही होगा ना, तो इसके चलते अब ट्रैक्टर से ही होता है। ये वही आलू का खेत है जो कि हम लोग रोपे थे, देखिए इतना हो चुका, इतना बड़ा हो चुका है। अब लगभग ये नहीं कुछ तो 15-20 दिन हो गया होगा, तो 25 दिन बाद आलू में पानी दिया जाता है। तो कुछ दिन बाद इसमें पानी देंगे, कर रहे हैं इसके, ट्रैक्टर आएगा इसके बाद ही छिड़केंगे, नहीं तो नहीं छिड़केंगे, इसलिए नहीं तो गेहूं जो है सूख जाएगा, और क्या पता ना आए तो फिर गड़बड़ हो सकता है शायद। और हम भी एक जानवर है, ये देखिए घास खा रहे हैं आ गया। और सुरेंद्र जी का ट्रैक्टर है, चलिए जोतिए, एक बार जोतना है इसको पहले। इसको बोलता है कल्टीवेटर। तो आप जा रहे हैं खाद छिड़कने के लिए, तो चलिए।
नीतीश कैसा लग रहा है? थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है, मजा। अरे आना तक ये देखिए नीतीश को। तो आप लोग इसको देखने के लिए पूरा वीडियो देखिए। इसको झारा लगा है और जोरगर हो रहा। तो मैं आ गया घर पे और नीतीश और मम्मी खेत में ही है। वो चौकी आप लोग देखा था ना, नीतीश जो बैठा था वही दे रहा है अभी तक। और मैं इसलिए आ गया क्योंकि गाय में से दूध निकालना है, साथ ही साथ मुझे जो भैंस है उसको चेंज करना है और साथ ही साथ ट्यूशन का भी टाइम तक हो जाएगा। तो जा रहे हैं सबसे पहले गाय में से दूध निकालने के लिए।